दिन भर अगर मैं यहाँ पे कोई काम धंधे के लिए आता हूँ, अगर 80-90 रुपए के हिसाब से मैं पेट्रोल लीटर डालूँ, किराया आएगा मुझे 150 रुपया, उसमें मैं खुद को क्या खाऊं, फैमिली को क्या खिलाऊं। मैं कोई अनपढ़ बैठा नहीं हूँ इस वक्त इधर, दर दर की ठोकरें खा के स्टेयरिंग के पीछे बैठा हुआ हूँ, अगर ज़्यादा नहीं तो MA करके बैठा हुआ हूँ। मेरा नाम मोहम्मद इमरान नाइक है, मैं खाड़ी से ताल्लुक़ रखता हूँ, ड्राइवर पेशे का आदमी हूँ। बार बार पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफे की वजह से ड्राइवर तबका जो है हमेशा परेशानी रहा है, चाहे वो किराए से रिलेटेड मसला हो, पेट्रोल से रिलेटेड हो, डीजल से रिलेटेड हो। डीजल की कॉस्ट अगर बढ़ेगी तो किराए का क्या होगा, ये ओवरलोड जो पड़ता है पैसेंजर्स पे पड़ता है, और पैसेंजर्स पे जब ओवरलोड पड़ता है तो चालान हमें भुगतने पड़ते हैं। डीजल की कीमतों में बार बार इजाफा, पर डे 2-3 रुपये, जहां हमें 60 रुपये किराया आता है 80 का डीजल जाता है। बताओ आप लोग हम क्या करेंगे, हम गाड़ियों को क्या करेंगे, पानी पे चलाएंगे, डीजल पे चलाएंगे, किराया लेंगे, हमारा भी कुछ हल होना चाहिए ना। हम देख ही रहे हैं कितना कम हो रहा है, बीजेपी का दावा जो कर रहे हैं, बीजेपी के लीडर जो दावे कर रहे हैं, आफ्टर इलेक्शन यू कैन सी हशर क्या होता है हमारा। ये वोट देने के बहाने के लिए, वोट लेने के बहाने के लिए बोलते हैं कि डाउन हो जाएगा सर, वोट एक बार कास्ट कर लिया तो सारी चीज़ों का वो इंक्रीज ही होता है, डिक्रीज का भी मैंने होते हुए किसी चीज़ में देखा ही नहीं। पहले ही बोल दिया ना मैंने, इस पॉइंट को पहले ही मैंने मेंशन कर दिया ना, ये सारा सिस्टम जो है वोट लेने के लिए है, वोट कास्ट हो गया आफ्टर दैट वो जानते ही नहीं हमें ये कौन लोग है, किन्होंने वोट दिए। ये सारे जो है हमें किसी पार्टी से कोई गिला नहीं है, ऐसे जो भी आए दौरे इकतदार में, जो भी पार्टी है, हम उनसे गुजारिश करते हैं कम से कम माशरे को तो सुधारो, गरीबी को मारो, गरीब को मत मारो। ये तो सीधी बात हुई, ये गरीब को मारना हुआ, गरीबी कोई मारता नहीं है। गरीबी को मारने के चक्कर में अगर ये करेंगे तो मैं भी हिंदुस्तान में जो रेशो है इसका गरीबी का ये कम होगा। ये तो गरीब को मारने के पीछे पड़े हुए है। अब मैं हूँ दिन भर, अगर मैं यहाँ पे कोई काम धंधे के लिए आता हूँ, अगर 80-90 रुपए के हिसाब से मैं पेट्रोल लीटर डालूँ, किराया आएगा मुझे 150 रुपया, उसमें मैं खुद को क्या खाऊँ, फैमिली को क्या खिलाऊँ, और ऊपर से लिटरेसी रेशो अगर हम सारा इन्वॉल्व करेंगे इसमें, मैं कोई अनपढ़ बैठा नहीं हूँ इस वक्त इधर, दर दर की ठोकरें खा के स्टेयरिंग के पीछे बैठा हुआ हूँ, अगर ज़्यादा नहीं तो MA करके बैठा हुआ हूँ। ऐसे ही काफ़ी ड्राइवर आप लोगों को मिलेंगे जो वेल एजुकेटेड है, बट प्रॉब्लम क्या है, हर कहीं से, अब अगर मैं ये काम भी नहीं करूँ, कोई नौकरी का ऑप्शन भी नहीं है, मजदूरी अगर किसी ठेकेदार के साथ जाऊँ 20 साल के बाद, अब पत्थर उठा सकता हूँ मैं, नहीं उठा सकता हूँ। अब जो मजदूरी का पेशा, जहाँ मजदूरी करने का कोई ऑप्शन नज़र आता है, वहीं से अगर हर चीज़ में इंक्रीज होता रहेगा तो आई थिंक उससे बेहतर है 50% जो लोग सुसाइड करते हैं उसका वजह क्या है, यही है। देखिए देखिए बजट सत्र के बाद ये मुझे लगता है कि आम सार्फिन के जेबों पे एक डाका है, और बड़े अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती कि हालिया दिनों में जो कास्ट प्राइस एक्सकलेशन हुई है, चाहे रसोई गैस की कीमतें हैं, चाहे पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं, कहीं ना कहीं इससे जो है आम लोग मुतासिर होते हैं, और आम लोगों के किचन का जो है खर्चा बढ़ जाता है, और आम लोगों की जो आमदनी है वो मुतासिर हो जाती है। हमने बारा यही कहा है कि सरकार को लोगों की परेशानियों को, लोगों के माली हालात को मद्देनज़र रख के जो है बजट तरतीब दिया जाना चाहिए। आलिया बजट जो, जिसके बहुत बड़े ढोल पीटे गए थे कि इसमें जम्मू कश्मीर के लिए खसूसी रियायत है, और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड था, जब चुनाव थे तो तब बजट को थोड़ा सा इस कदर जो है पेश किया गया, खासकर जो रेटें हैं वो कम की गई, लेकिन अचानक इनमें उछाल आना एक कहीं ना कहीं लम्हे फिक्रिया है। सर पेट्रोल और डीजल
देखिए कहीं ना कहीं तो आम लोगों का बजट ही जो है वो इससे मुतासिर हो रहा है, लोगों के पास आमदनी आठानी और खर्चा रुपये की बात है, तो सरकार को इन चीज़ों को देखना चाहिए जिससे आम नागरिक जो है वो सफ़र ना हो जाए। और तो हम तो मांग करेंगे कि इस पर नज़रसानी की जानी चाहिए ताकि आम लोगों के जो है जो आमदनी पे है वो मुतासिर ना हो सके और जो बजट था वो पीपल फ्रेंडली रहे। नहीं तो हम यही वही मिसालें कहते आ रहे हैं कि बजट इस साल भी पुरानी शराब को नए बोतल में पेश किया गया और कहीं ना कहीं फिर से सार्फिन जो है मुतासिर हो गया।